नमस्कार दोस्तों, आरबीएल बैंक के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 2.86% की क्लियर आपको तेजी देखने को मिल रहा है। तो उसी के साथ देख सकते हो स्टॉक में यहाँ पर एक छोटा सा आपको डोजी कैंडल ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में और भी तेजी आएगा, गिरावट आएगा, तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा। सभी कंडीशन को इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हो आरबीएल बैंक जब स्टॉक यहाँ पर एक जैक लेकर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था, और ये जो जहाँ से रिवर्स कर रहा था ये एक जैक लेकर रेजिस्टेंस जोन था, इसी को रेजिस्टेंस लेकर स्टॉक नीचे गिर रहा था। दोबारा जब स्टॉक ऊपर बढ़ने लगा तो एक्जैक्टली उसी पॉइंट से स्टॉक फिर से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी कंडीशन को देखें तो स्टॉक यहाँ से अपना सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करके क्लियरली नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर अब देखेंगे और एक सपोर्ट लेवल है जो कि 132.5 पे नज़र आ रहा है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको 187.7 पर नजर आए। दोस्तों उसी के साथ साथ आप देखेंगे स्टॉक यहाँ पर एग्जैक्ट लेकर डाउन ट्रेंड में भी कंटिन्यू कर रहा है। जब स्टॉक अपने स्ट्रेट लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक में एक तेजी का मोमेंट भी रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे सामने रहेगा ब्रेकआउट के बाद यह हमारे सामने रहेगा टारगेट्स, लेकिन अभी की कंडीशन को समझेंगे तो स्टॉक में और भी थोड़ा सा गिरावट आ सकता है। बिकॉज ऑफ स्टॉक के लिए सपोर्ट लेवल यहाँ पर है 132.5 का, तो इस तरीके से मोमेंट अगर बनेगा तो ये सारे टारगेट शिट होता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ साथ और एक रेजिस्टेंस लाइन को भी यहाँ पर फॉलो किया जा सकता है जो कि 270.70 पर है। स्टॉक में कोई भी बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है। वीडियो एजुकेशन पर्पज में इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।